तो हेलो एवरीवन, दिस इज साथ है एंड आज का वीडियो कुछ अलग ही होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जान सकते हैं SRMU में एडमिशन ओपन हो चुका है। तो एज अ यूट्यूबर कह लीजिए या तो एज अ स्टूडेंट जिसने फर्स्ट ईयर यहाँ पढ़ लिया है, मतलब हो ही जाएगा कम्प्लीट 2-3 महीनों की बात है। और तो ये मेरा फर्ज बनता है कि एक ऐसा वीडियो बना दूँ जिसमें आप सभी को पूरा पता चल जाए। काफी बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं, तो उन सभी के लिए एक प्रॉपर वीडियो तो बनता है। तो मेनली ये वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाला है और इसमें 3 टॉपिक कवर होने वाले। तो आप सभी यहाँ पे टाइमिंग लगे हुए, आप सभी को जो टॉपिक देखना आप वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी मेरा मानना है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा रामस्वरूप कैसा है कैसा नहीं। और हाँ, इसके कई सारे नाम है ना, SRMU, रामस्वरूप, तो अलग अलग मत समझिए। SRMU का फुल फॉर्म ये होता है श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। तो उतना बड़ा बोलने से अच्छा है SRMU बोल दो या तो रामस्वरूप बोल दो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के अपने पहले सेगमेंट पे, तो हाउ टू गेट एडमिशन इन SRMU। तो बढ़ते हैं वीडियो के पहले पार्ट पे, हाउ टू गेट एडमिशन इन SRMU। तो SRMU में एडमिशन लेना काफी इजी है, क्योंकि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो मेनली आप सभी को यहाँ पे आना होता है, एक आध फॉर्म सबमिट करना होता है और उससे आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है। फिर आपको मेनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के और आपका कोर्स भी सबमिट करके आपका एडमिशन हो गया। बस इतना सा प्रोसेस होता है। और बाकी आप सभी एडमिशन वगैरह के इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सभी यहाँ के टोल फ्री नंबर से बात कर सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट का। और यहाँ पे स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, मतलब कि जैसे अगर आप किसी के रेफरल से एडमिशन लेते हैं तो आपको 5 to 10,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है। और अगर आप पहले एडमिशन लेते हैं तो भी स्कॉलरशिप मिलता है। और अगर आपने 12th में अच्छा परफॉर्म किया है और JEE में भी अच्छा परफॉर्म किया है फॉर बीटेक, तो आपको मेनली मेरे हिसाब से 50% तक डिस्काउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिल सकता है। और काफ़ी सारे स्कॉलरशिप यहाँ में मिल सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। बाकी और आप सभी को इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो इसका वेबसाइट, मैं रामस्वरूप का ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। आप सभी वहां से जाके पता कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ कांटेक्ट नंबर देता है और ये सब पता कर सकते हैं। बाकी ये ऐसे ही कुछ प्रोसेस होता है यहाँ पे एडमिशन लेने का। एडमिशन लेने के लिए मेनली आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाना पड़ता है और वही सीट अलॉटमेंट वगैरह यही सब करवाना रहता है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। और यही सब कुछ था एडमिशन के बाद। तो बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, अबाउट SRMU। तो मेनली इस पार्ट में यही होने वाला कि SRMU में क्या है क्या नहीं, और मेनली इसी पार्ट के लिए सबसे ज्यादा मेहनत हुआ है। तो अगर SRMU की बात करें तो SRMU एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसको कि 2 IITians ने मिल के स्टेब्लिश किया था, जो कि 2012 में हुआ था। और अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे मेनली आपको एक कहा जाता है, सब बोला जाता है कि 100 एकड़ का कैंपस है। ऐसे देखने को तो नहीं मिलता है, बाकी 100 एकड़ के कैंपस है यहाँ पे। और तकरीबन 8-9 बिल्डिंग मिल जाएंगे, जिसमें एक बॉयज हॉस्टल मिलेगा, एक गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा। और अगर बात करें तो यहाँ पे कैंटीन वगैरह 3-4 कैंटीन है। और यहाँ पे इन कैंपस आपको जनरल स्टोर भी मिल जाएगा। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ आपको BBC मिल जाता है, बास्केटबॉल कोर्ट और टेनिस कोर्ट मिलता है और वॉलीबॉल कोर्ट मिलता है। और इंडोर गेम के लिए अलग से बिल्डिंग है, और भी यहाँ पे बहुत कुछ है। और अगर प्लेसमेंट वगैरह की बात करें तो यहाँ से परसेंटेज वगैरह का हमको नहीं पता, तो हम उस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बस हम इतना बताएंगे कि यहाँ का हाईएस्ट पैकेज अभी तक का 14 LPA गया है और एवरेज ज़्यादा है यहाँ का 4 LPA। बाकी अगर और बात करें तो SRMU काफ़ी अंदर है, मतलब कि अगर आप लखनऊ, अगर आप बाहर से आते हैं तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं मैं लखनऊ में पढ़ूंगा तो भूल जाइए, क्योंकि ये SRMU होने वाला आपका बाराबंकी से भी अंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा अंदर है। ये सब चीज़ें हैं कुछ SRMU के बारे में। और कैंपस तो इतना ही बड़ा है, बाकी कैंपस जैसे कि आप ब्लॉग देखते होंगे तो कैंपस तो देखे ही होंगे। तो यही कुछ है SRMU के बारे में। इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, तो इज SRMU गुड, मतलब कि क्या यहाँ पे एडमिशन लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर सबसे पहले बात करें तो इसकी लोकेशन के बारे में, तो अगर कोई बाहर से बच्चा पढ़ने आ रहा है तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर कुछ जरूरी सामान भी लेना है ना तो यहाँ से 11 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि यहाँ पे रेफरल का प्रोसेस बहुत ही खतरनाक है, मतलब जल्दी नहीं होता है रेफरल, बहुत ही मुश्किल होता है उसमें। और अगर बात करें यहाँ के कैंपस की, तो कैंपस आए दिन कुछ ना कुछ बन ही रहा है,
मतलब कि एक क्रिकेट ग्राउंड था, वहां पे भी बिल्डिंग बना है B7, जैसे कि अगर आप ब्लॉग देखते हो तो देखते होंगे। और यहाँ पे छुट्टियां बहुत ज्यादा होती है, मतलब अगर 9 महीना पढ़ाई होगा तो 3 महीना तो छुट्टियों में ही बीत जाएगा। और अगर पढ़ाई के बारे में बात करें तो यहाँ बस सेमेस्टर पास होने लायक पढ़ाते हैं यहाँ की फैकल्टी, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और अगर फीस देने टाइम आपको एकदम बढ़िया से ट्रीट किया जाएगा, और फीस देने के बाद तो आपको ऐसा बना दिया जाएगा बस आप फीस हो गए, आप जाओ तुम यहाँ से, ऐसा ट्रीट किया जाता है। फीस सबमिट करने के बाद काफी खराब ही ट्रीट किया जाता है। बाकी अगर कैंपस की बात करें तो कैंपस ठीक ही है, बट बस बन ही रहा है कुछ, अगर यहाँ बिल्डिंग बन रहा है वहां बिल्डिंग बन रहा है, बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन रहा है बाकी। और यहाँ पे फैकल्टी वैकल्टी ये सब है ही। और हाँ, यहाँ पे AC हॉस्टल आप सभी को देखने को नहीं मिलता है, आप सभी को जो है नॉर्मल हॉस्टल ही मिलता है। और यही सब कुछ है SRMU के बारे में। तो एडमिशन लेने से पहले 100 बार सोच लेना एक बार, क्योंकि एडमिशन मेनली यहाँ लेने से अच्छा है कहीं, अगर तुम बाहर पढ़ते हो तो बाहर से यहाँ आओगे तो कहीं और तुम देख सकते हो, क्योंकि मेनली यहाँ पे रहने का बहुत दिक्कत होगा तुमको, क्योंकि सब चीज तुम शहर से एकदम अलग रहोगे। तो इसलिए थिंक वंस अगेन बिफोर टेकिंग एडमिशन इन SRMU। सो कुछ यही था SRMU के बारे में, तो यही सब था कुछ SRMU के बारे में, कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या था क्या नहीं, यही सब कुछ हम लोग सोचे आप सभी से जरूरी था बता देना। आप सभी भी एडमिशन लेने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना, और मेनली कॉलेज चुनना एक बहुत बड़ी बात होता है। मैंने तो आराम से आप सभी चूज करिएगा, मैंने जल्दीबाजी में किया था तो आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और आराम से चूज करो और 10-15 बार सोच लो SRMU के लेने से पहले। बाकी ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप सभी जरूर बताना, और अगर ऐसा आप सभी वीडियो में कुछ और पॉइंट्स चाहिए तो बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट। और अगर ऐसा आपको हॉस्टल पे भी चाहिए तो वो भी बताना, मैं बना दूंगा। बाकी कैसा लगा वीडियो कैसा नहीं ये सब जरूर बताना, और प्लीज सब्सक्राइब करें गाइस। और अगर SRMU में एडमिशन ले रहे हो तो ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट, और ठीक ही है आना, एज अ सीनियर मैं ही मिलूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, जिसको जिसको एडमिशन लेना है, और SRMU में लेने से पहले थिंक वंस अगेन। Oh,